पाकिस्तान पीनल कोड और कानून शहादत जैसे जो समझिए कवानीन हैं जिसमें अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, और अब होगा ये कि मैक्सिमम 9 मंथ्स का पीरियड है, उसके अंदर ट्रायल करना होगा, ट्रायल ख़त्म करना होगा। एक जिम्मेदारी जजेस पर भी है, वकला पर भी है, और अगर 9 महीने में आप ट्रायल कंक्लूड नहीं करेंगे, अब नेचुरली लॉ मिनिस्ट्री तो आपसे नहीं पूछ सकती, लेकिन हाई कोर्ट को पाबंद किया जा रहा है कि हाई कोर्ट फिर पूछेगी कि ये 9 महीने में ट्रायल क्यों नहीं कंक्लूड हुआ, और उसका एक्सप्लेनेशन जज साहिबान को, ट्रायल जजेस को देना होगा, नहीं तो उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स होंगी। उसके साथ साथ जो इसके अंदर एक कॉमन प्रॉब्लम है, ये कहा जाता है कि जी पुलिस जो है वो गैर पढ़ी लिखी है, सही FIR का इंदराज नहीं होता और क्या कुछ नहीं होता, तो हमने ये कहा है कि सब इंस्पेक्टर कम से कम SHO होगा, जो कि BA पास प्रेफरेबली होना बड़ा ज़रूरी है, ताकि ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, अब पढ़े लिखे जो बच्चे हैं जो पढ़ लिख के आए तो वो पुलिस में आए, और ये एक जिम्मेदारी से जो एक आर्केक कल्चर है उसको ख़त्म किया जाए। फिर साथ साथ इसके अंदर एक कॉमन प्रॉब्लम ये है कि पुलिस का बजट तो होता है लेकिन थाने में नहीं आता वो बजट। नतीजा उसका ये है कि जो थाने वाले जो पुलिस है उनके पास स्टेशनरी के पैसे नहीं होते, इंक के पैसे नहीं होते, उनके पास कागज़ के पैसे नहीं होते, और कंप्यूटर और क्या कुछ हो तो आप छोड़ दें। तो अब हमने ये इसके अंदर ये लॉ लेके आ रहे हैं, और लॉ से ये हो रहा है कि जो पुलिस का जो बजट है वो स्पेसिफिकली तमाम इन्वेस्टिगेशन के लिए, स्टेशनरी के लिए, POL के लिए वो मुख्तस किया जाएगा, वो दिया जाएगा, उसकी बाकायदा अकाउंटिंग होगी, ताकि कल को कोई पुलिस वाला हमसे ये नहीं कहे कि ये हमारे पास तो कागज़ के पैसे नहीं थे तो हम क्या करते, हमारे पास किराए के पैसे नहीं थे तो हम कैसे जाते इन्वेस्टिगेट करते।